इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्यंजन। बच्चों आप सबने व्यंजन एलकेजी से किए हुए हैं, क से म तक आप कर चुके हैं पहले से। आज हम रिवीजन करेंगे क से म तक, और उससे आगे कौन सा व्यंजन आता है मैं आज आपको वो भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आज हम आज का डेट डालेंगे, विल राइट टूडेज डेट ऑन टॉप, ओके। द डेट इज 1.5.2020। 1 क्यों डाला हमने, क्योंकि आज से न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, नंबर 1, इसलिए 1 डेट है। और कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ है, अप्रैल फिनिश हो गया, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई मंथ स्टार्ट हुआ है अभी, फर्स्ट ऑफ मई, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे C.W। अब हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला अक्षर कौन सा है, क। बच्चों आपने ना ऊपर वाली रेड लाइन को टच करना है ना नीचे वाली रेड लाइन को टच करना है, आपने सिर्फ इन 3 लाइंस के बीच में ही क को लिखना है, 1, 2 and 3, ठीक है। देन क के बाद क्या आता है, ख। सुंदर राइटिंग में लिखना है सबने बच्चों। ख के बाद हम लिखेंगे ग। घ, अंग। इसके बाद हम अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन में क्या आता है सबसे पहले, च। छ, देखो मैं अभी भी रेड लाइन को टच नहीं कर रही हूं, बिल्कुल 3 लाइंस में ही लिख रही हूं, ठीक है। छ के बाद हम लिखेंगे ज। झ, और झ के बाद हम लिखेंगे अय। नेक्स्ट व्यंजन इज ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद कौन सा व्यंजन आता है बच्चों, त। देखो आपने रेड लाइन को टच नहीं करना है, थ, द, ध, और ध के ऊपर पूरे पर आपने स्लीपिंग लाइन नहीं लगाना है। ध के बाद लिखेंगे न। प, फ, ब, भ। अब फिर से देखो, भ के ऊपर आपने स्लीपिंग लाइन, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, ये लाइन के ऊपर ही लगाना है, और कहीं नहीं लगाना है, ओके। भ के बाद हम लिखेंगे म। अब बच्चों आपने म तक एलकेजी में लिखे हुए हैं, व्यंजन कर चुके हैं आप, और अब इससे आगे कौन सा व्यंजन आता है मैं आपको बताऊंगी। म के बाद हम लिखेंगे य। बिल्कुल हमने थ के जैसे बनाया है य, लेकिन उसके यहाँ पे हमने ये गोला लूप नहीं बनाई है, ठीक है। य के बाद हम लिखेंगे र। बहुत इजी है, आप ये सब लिख सकते हो, आप मुझे पता है बहुत स्मार्ट बच्चे हो। र के बाद लिखेंगे ल। ल के बाद लिखेंगे व। जैसे हमने ब बकरी बनाया था, लेकिन हमने बीच में स्लैंटिंग लाइन नहीं लगानी है, व। व के बाद हम लिखेंगे श। दिस इज श, ओके। श के बाद हम लिखेंगे श, श, षटकोण, ओके। आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, आगे वाले व्यंजन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आपने 2 पेजेस करने हैं, क से लेकर श तक, ओके, एंड ऊपर डेट डालना नहीं भूलना है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।